सत श्री अकाल जी एंड हैलो टू एवरीवन। वैल सब तो पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते दे सैमीनार्स जिहड़े हरियाणा विच उत्तराखंड ते गुड़गांव च होए सीगे डिस्पाइट ऑफ वीकेंड लॉकडाउन इन दिल्ली, बहुत सारे लोगों ने जूम ते जुड़ के अपनी क्वेरी सॉल्व कीतियां ते सानू केस दित्ते अपने, ताकि वह अगे जाण दा सपना पूरा कर सकन फॉर देयर डेस्टिनेशन कंट्रीज। हुण इह जिहड़ी एक चीज़ कॉमन निकल के आई है ना इन्हां सैमीनार्स दे विच, देयर वर लॉट ऑफ प्रोफाइल्स जिहड़ी कुछ सही होने के बावजूद कन्फ्यूज़ है, कुछ कन्फ्यूज़ होने के बावजूद कॉन्फिडेंट है अपनी प्रोफाइलों को लैके, तीन तीन रिफ्यूजल लैके भी। तो आई थॉट वाई नॉट ये सैशन जिहड़े तुहाडे नाल जुड़न वाले हैगे हैं इहनू इनफॉर्मेटिव किया जाए, तुहाडी प्रोफाइलां जिहड़ी तुसीं साडे नाल आए हो डिस्कस करन दे लई या कॉल सेंटर दे विच क्वेरीज आई हैं, वह प्रोफाइलां डिस्कस करिए ताकि जिहड़ा तुहाडी क्वेरीज है घर बैठे बैठे तुसीं उहनू रिलेट कर सको तो सॉल्व कर सको। तो जी अज सब तो पहला प्रोफाइल चक्की है, बड़ी इंट्रस्टिंग प्रोफाइल हैगी है जी दिल्ली तो सानू क्वेरी आई सी। हुण क्वेरी की आई सी, बेसिकली एप्लीकेंट दो बार यूके तो रिफ्यूज़ है। पहला 2018 दे स्टूडेंट विजिटर वीज़ा हुंदा सीगा 6 महीनों तो घट की ड्यूरेशन का। सैकेंड 2019 फॉर मास्टर्स प्रोग्राम कैस मिलिया, कैंसल हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बड़ा इन्होंने हाथ जोड़ के बेनती की है मैं यूके ही जाना चाहना, जिहड़े कंसल्टेंट कोल जाना वह कह देंदे यूके दो बार रिफ्यूज़ है तो तुसी वीज़ा नहीं लगा सकते। वैल सब तो पहला तो सरबजीत एक सवाल पूछांगा मैं, 2019 दी एप्लीकेशन तो बाद ते हुण तक जे कोई एप्लीकेशन दे हालातां च बदलाव आए ने, तुसी अपना आलस इंप्रूव किया 2019 दे रिजेक्शन तो बाद, इत्थे अपना एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया वर्क एक्सपीरियंस, की तुसी 2019 दे रिफ्यूजल तो बाद ग्रैजुएशन जब तुसी खत्म की वापस जॉब मार्केट जाके अपना एक्सपीरियंस अपग्रेड किया, जे अपग्रेड किया है द आंसर इज येस, यू कैन डेफिनेटली अपलाई टू यूके फॉर द अपकमिंग इनटेक जोड़ा मई वाला हैगा 6 to 5.5 बैंड घट ना होे परसेंटेज 55% हो गए। आई एम अज्यूमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पढ़े हो, तो यह जे कई वहम होंगे ने, दो बार ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, अपने मन च ही सवाल पूछ के असी अपने मन च ही आंसर दे दें 4-5 लोगों मिल के, पर की वह एक्चुअली फैक्ट है कि एक वीज़ा एप्लीकेशन इस तरीके लगती जिस विच अद्धे तत्थ ते अद्धे फैक्ट ते तुसी सलाह लैंदे हो ते उस तत्थां दे नाल अगे जवाब मिलते हैं। तो अपनी वीज़ा फाइल, अपनी एडमिशन एप्लीकेशन, अपने बाहर जाने दे सपने नू सिर्फ एक लिमिटेड इनफॉर्मेशन दे नाल ना बनो। जब भी किसी कंसल्टेंट को जाने हो पूरे दे पूरे प्रोफाइल डिस्कशन करो। हुण कई लोग अपने एक्सपीरियंस नू अपना घाटा दसदे ने, तो कई हालात होया एक यूनिवर्सिटी जी थोनू मिलती है उत्थे एक्सपीरियंस ही चाहिए एडमिशन लैन वास्ते, तो वह घाटे वाला सौदा वाधा बन गया कि नहीं बन गया। हुण कई कहिंदे 8-8 साल का गैप हो गया, मैं तो स्टूडेंट वीजे च अपलाई नहीं कर सकता। मैं एको आंसर दिना, जे तुहाडा अगला लैन वाला कोर्स उस तरीके का हैगा जिस विच एक्सपीरियंस की लोड़ है, तो तुहाडा डिसएडवानटेज ऑफ योर प्रोफाइल बिकम्स एन एडवानटेज टू योर प्रोफाइल। ये वास्ते एक डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री क्राइटीरिया होने जरूरी है, प्लस अपने सपनों को रियलिस्टिक रूप देना जरूरी है। तुहानू अपनी प्रोफाइल को लैके कोई भी सवाल दिमाग चाहता है तो हुणे कॉल करो 9419 9419 ते अपनी प्रोफाइल साढ़े काउंसलर नाल डिस्कस करो। थैंक यू वेरी मच।